पसंद की है अपनी मर्जी से इनकी पसंद। इनसे मुलाकात कब हुई आपसे? उनसे मुलाकात हुई 2 महीने पहले। हम इन्हें बहुत अच्छे तरह से पसंद किए हैं। इनके पास पैसा ही भी है, इनके पास पैसा है, लेकिन ये भी अपनी मजबूरी से हमें खिला भी सकते हैं, कमा के भी खिला सकते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी नहीं करते हैं? सरकारी नौकरी नहीं करते, घर से लिंक खेत है, सगड़ी है, उससे पैसा कमा लेते हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं जौनपुर में हूँ। इस समय खूब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 22 वर्ष की युवती का शादी एक 60 साल के बुजुर्ग से किया गया है। इसमें इस तरह से लगातार वीडियो में दिखाया गया है, उसकी हकीकत जानने के लिए, उसका जांच पड़ताल करने के लिए आज खुद मैं जौनपुर के पतही बाजार के निकट एक गाँव है हिसामपुर गांव में पहुंचे हैं। यहां पे अभी जो जिन लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है, 2 लोग हैं, शादी किए हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ है, और इनसे हम कुछ खास बातचीत करते हैं कि आखिरकार इस शादी का इन्होंने क्या महत्व दिया है, आखिरकार इन्होंने इस उम्र में शादी क्यों की। अब इनसे हम बात करते हैं, तब जाके पता होगा। फिलहाल इनका खूब विरोध हो रहा है, आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। पहले क्या नाम है आपका? सिंगा जी। आपका? अंकिता यादव। आप भी यादव हैं? ये बताइए कि इस उम्र में आपकी शादी करने का कारण क्या है? कारण हमको है कि हमको भाई बुढ़ौती में सहारा कौन रहेगा? अच्छा। हमारी संपत्ति लेगा कौन? अच्छा। बस ये बताइए कि आज के दौर में लोग हमेशा उम्र देख कर शादी करते हैं, आप बताइए कि आप इन्हें क्यों चुने? बाकी लोग को तो चुन सकती थी, हम बाकी लोग सबको चुन सकते थे, लेकिन इनको चुने हैं ये भी दू कि अपने हैं, आप इनके क्यों नहीं था, आप ही हैं, ये लोग हमारे हैं, हम इसी नाते इन लोग को चुने हैं कि हमारे साथ भी सहारा ये दे सकते हैं। अगर कहीं भी और जाएंगे ठोकर ही खाएंगे, ऐसा जिसका ये आदमी हम पाए हैं वैसा हम कभी हम किसी को पाते नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर वाले ने विरोध किया कि नहीं? हमसे घर वाले से मतलब नहीं है। घर वालों से मतलब नहीं है? नहीं। अगर घर वाले आपके खिलाफ अगर एक्शन लेंगे तो आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं, हम लड़ाई करेंगे। अच्छा। कि हमें हमको पसंद है, हमारी ये सहेंगे, साथ देंगे, हम इन्हीं साथ रहेंगे। आपकी इनसे मुलाकात कैसे हुई? हमसे इनकी मुलाकात हुई है कि हमारे इनसे मुलाकात हुई थी कि हम कोई देखे थे, हमारे घर पे गए थे भी, देखे भी गए थे, इसी नाते मुलाकात हुई थी। आपकी पहले भी इससे शादी हो चुकी है? हाँ, हो चुकी। कब हुई थी? आज 4 साल हो रही है। अच्छा, 4 साल शादी की हो रही है, तो किस जिले में हुई थी? सुदनीपुर। और जिला बताइए, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर? आजमगढ़। तो ये बताइए कि आपके जो हस्बैंड हैं, अगर आपने शादी किया, क्या उनसे तलाक हो चुका था तब शादी किया या कैसे किया? तलाक हो चुका था। अच्छा, क्यों हुआ तलाक? क्योंकि वो सही नहीं थी और अपने रास्ते पर सही भी चल नहीं रही थी, उसी बात से हमारी बात कर रही थी कि ये बात कर रही थी कि बुढ़िया की जो कि हमारी सास भी साथ नहीं दे रही थी। अच्छा। क्योंकि बहुत करीदानी थी ये, जो कि टोटका वाला और ये वाला सब काम कर रही थी, इसी नाते हम लोग जो कि हुआ था शादी उससे पूरा तलाक हो चुका है, तलाक पूरा मालूम हो चुका है, अभी पूरा हो चुका है, हम छुट्टी छुट्टा करा के तभी इनसे शादी की है। अच्छा, बताइए कि आप इनको पसंद की, अगर आपको कम उम्र के भी लड़के मिल सकते थे, आपने इनको ही पसंद क्यों किया? हम इन्हें की पसंद की है अपनी मर्जी से इनकी पसंद। इनसे मुलाकात कब हुई आपसे? उनसे मुलाकात हुई 2 महीने पहले। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी शादी होता है किसी, अगर कोई लड़की बड़े उम्र के लड़के से शादी करती है, व्यक्ति से शादी करती है, तो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि या तो ये बिजनेसमैन होंगे या तो सरकारी नौकरी होगी। फिलहाल इनसे बात कर लें कि ये क्या करते हैं। क्या करते हैं आप शिवाजी? हम खेती करता हूँ, हमारे पास भैंस है, गैया है, हम खेती करता हूँ। अच्छा, खेती करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आप सरकारी नौकरी करते होंगे। सरकारी नौकरी में? सही बोल रहे हैं आप। हाँ, सही बोल रहा हूँ, मेरे पास खेती है। अक्सर देखा जाता है अगर कम उम्र की लड़कियाँ होती हैं तो अगर बड़े उम्र के लड़के शादी करती हैं तो देखा जाता है कि लड़कियों का कुछ स्वार्थ होता है कि उनके पास पैसा है, उनके पास बिजनेस है, इनके पास खेती है, आप इन्हें क्यों पसंद की? हम इन्हें बहुत अच्छी तरह से पसंद किए हैं, इनके पास पैसा ही भी है, इनके पास पैसा है,
लेकिन ये भी अपनी मजबूरी से हम खिला भी सकते हैं, कमा के भी खिला सकते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी नहीं करते हैं? सरकारी नौकरी नहीं करते, खेत है, सगड़ी है, उससे पैसा कमा लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप जो है कि कितना पढ़ी लिखी हैं? हम पढ़े हैं दस्तर। देखिए इनके बात से लग रहा है कि इनकी जो शादी हुई सहमति से हुई है, किसी भी तरह का दबाव नहीं है। दबाव नहीं ना है? दबाव नहीं है, मैं किसी तरह से दबाव नहीं है। मैं नहा खा रहे हैं, अच्छे से हैं, हमके कोई का तकलीफ नहीं है। अगर आपके भाई या आपके फैमिली वाले इनके खिलाफ अगर किसी तरह का एक्शन लेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो आप क्या करेंगे? हम उसमें लड़ाई करेंगे, उसमें हम जीत करेंगे, अपना लड़ाई करेंगे जरूर जरूर। अपना हम अपना अंकिता यादव बोले हैं, हम उससे लड़ाई कर सकते हैं भी। हम उससे लड़ने चाहते हैं, और वो भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा जब तक वो भी हमारे साथ, क्योंकि वो हमारा लिए घर के लिए हम खत्म हो गए। इसलिए वो बोला था ऐसे ही कि हमारे लिए खत्म हो गए। हमारे भाई बोला कि विदेश यादव की हमारे लिए खत्म हो गए, हम उसके लिए खत्म हो गए, हम उसके लिए नहीं हूँ। और मेरा उसके लिए हमारा कोई वहाँ पे जाने का अधिकार नहीं है। देखिए अंकिता यादव कह रही हैं कि शिवाजी यादव के साथ हम खड़े रहेंगे, इनके खिलाफ अगर किसी तरह का कानूनी कार्रवाई होगा तो मैं उसका विरोध करूंगी और इनके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। अच्छा 2 महीने पहले ये बताइए कि आप अक्सर देखा जाता है कि समाज में अगर कोई उम्र का डिफरेंट होता है एक लड़के एक लड़की की शादी में, तो पूरा समाज इसका विरोध करता है, क्या आपका भी विरोध हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा आपने क्यों शादी की? हम वही शादी किया हूँ कि हमारे जो कौन था हमको कौन निभाए। अच्छा ये बताइए कि आप जब से शादी हुई आपकी, कितने का तारीख को शादी हुई है? मुझे जानता नहीं, 1 तारीख को हुआ। कितना? 4 तारीख को हुआ। 4 अप्रैल 2022 में इनकी शादी हुई है और ये अपने शादी को लेकर खुश है। ये बताइए कि अगर आप समाज में जब बाहर निकलते हैं तो आपको नहीं लगता ऐसा कि समाज आपको तरह तरह की बातें बोलता होगा या आपको शर्म महसूस होती होगी? नहीं हमको नहीं, कुछ नहीं होती, कुछ महसूस नहीं था? नहीं। अच्छा अगर ये बताइए कि आप जो दोनों लोग शादी कर लिए सहमति से जाकर शादी कर लिए, तो ये बताइए कि आपके घर वाले, आप लड़की पक्ष लड़की हैं, आपके लड़की पक्ष से कोई आया था आपका विरोध करने आपके घर, यहाँ पे कोई विरोध करने के लिए आया था आपके घर वाले? हाँ वो आया था, भाई मेरा आया था। भाई आया था, क्या बोले भाई? भाई आया था, वही लड़की गया है। अच्छा हाँ वही गया लड़की, तो हम बोले उससे कोई मतलब नहीं है, जब तक लोग कहाँ थे, जम के मारे पीटे तब तक कहाँ थे, जब मारे पीटे इतना तब कहाँ थे वो? जब पहले पति आपके मार पीट रहे थे तो? नहीं वो भी थे, लेकिन हमारे घर वाले थे भी। अच्छा हमारे घर वाले इतना मारे थे कि हम उसे घर छोड़ के चले गए थे अपने सहेली घर से, तब ऐसा यहाँ बात हुई थी यहाँ पे। अच्छा आप अक्सर हर चीज का एक प्रमाण होता है। बताइए कि अक्सर देखा जाता है कि शादी करने की उम्र होती है लगभग में 25 साल 26 साल की उम्र में लोग शादी करते हैं, 30 साल के में उम्र में शादी करते हैं, लेकिन जो शादी होती है उसमें विवाहितों की उम्र में 2-3 साल का अंतर होता है देखा जाता है अक्सर। लेकिन आप बताइए आपकी एज क्या है? आपकी जो है 40 साल। इनकी एज 40 साल है, आपकी 25 साल। अभी देखिए लोग बता रहे हैं कि जो कि 22 और 60 का मैटर है, लेकिन यहाँ पे गलत है। मैं इनसे प्रमाण भी मांगूंगा और पूछूंगा भी आपसे, एक आपके बताने के हिसाब से आपसे 15 साल बड़े हैं। आपके 42 साल होने का प्रमाण है आपके पास? आधार कार्ड है? अभी देखिए जिस तरह से अफवाह फैलाया जा रहा है कि इनको 60 वर्ष का बताया जा रहा है, असल में इनका डेट ऑफ बर्थ 18 मार्च 1980 है। 1980 के हिसाब से जो है कि 42 साल के अब तक है। आपके पास प्रमाण है 25 साल होने का? आधार कार्ड है आपके पास? आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है बस यही बता दीजिए। हमारा वही है। कितना? 25। नहीं नहीं जैसे कि 1980 में हुए थे, आप 90 में हुई होगी या 1995 में हुई होगी? 90 में। 90 से तो 32 साल हो गया। अरे रुक जाइए आप आ रहे हैं प्रधानजी बात करने। अभी जो है कि ये बताइए कि आप अगर समाज में इस तरह से लगभग में लोग कह रहे हैं कि गलत मैसेज जाता है क्योंकि उम्र में ज्यादा अंतर आ जाता है तो समाज में गलत मैसेज आता है। अच्छा ये बताइए कि आप जो है कि कितना पढ़ी लिखी हैं? हम पढ़े हैं दस्तर। संविधान ये नहीं कहता कि आप प्रेम मत करिए, संविधान ये नहीं कहता कि आपको किसी तरह से दबाया जाएगा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे समाज के लोगों से? हम क्या कहेंगे, हम तो अपने खुशी के कर रहा हूँ, खुशी से कर रहा हूँ। अभी मैं इस वक्त जौनपुर में हूँ,
अभी जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें बताया गया था कि 22 वर्ष युवती का उम्र है, 60 वर्ष इनका, जबकि इनका उम्र 42 साल है और युवती का उम्र, इनके पत्नी का उम्र शिवाजी यादव के 25 साल है। अब लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। अब मैं आप लोग से बस यही कहूँगा कि गलत तरह का मैसेज ना दें। फिलहाल इनकी उम्र 42 साल है, इनकी उम्र 25 साल है। इन्होंने प्रेम विवाह जो है कि किया है, अपने मर्जी से, अपने संबंध से शादी किया है। नमस्कार, धन्यवाद।